हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग कर रहा था वोकल मिक्सिंग कैसे किया जाए। पार्ट वन में हम लोग बोल दिया है, तीनों ऑब्जेक्टिव बोल दिया है क्या क्या करना होगा। एक वोकल, अच्छा वोकल रिकॉर्डिंग करने के लिए आप लोगों को अच्छा माइक्रोफोन लगेगा, और डायनेमिक और कॉन्डेंसर कोई भी हो सकता है। गुड क्वालिटी एकोस्टिक्स लगेगा और गुड साउंड कार्ड लगेगा। साउंड कार्ड लगेगा तो ठीक है। तो एकोस्टिक्स के बारे में बहुत सारा मैसेज हमारे पास आया है, कौन सा एकोस्टिक हम लोग ले। एक्चुअली क्या है, एकोस्टिक बहुत एक्चुअली डिफरेंट प्राइस टाइप का है। अगर आप लोग अच्छा एकोस्टिक बनाना चाहते हैं तो आप लोगों को थोड़ा अच्छा क्वालिटी का एकोस्टिक लेना पड़ेगा, और छोटा सा रूम के लिए। मान लीजिए हम थोड़ा पेड़ में दिखाते हैं, तो देखिए आपका रूम, पूरा रूम है ये, और इसके अंदर छोटा सा रूम जो है वो है, मान लीजिए ये स्टूडियो रूम है। तो स्टूडियो नहीं, एक्चुअली ये सिंगर रूम है। तो सिंगर रूम में आप लोगों को एकोस्टिक देना पड़ेगा। इधर अगर एकोस्टिक नहीं रहेगा तो तब भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर आप लोग कंप्यूटर लेके बैठ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इधर अगर एकोस्टिक इंस्ट्रूमेंट प्ले होगा तो एक बार वोकल मिक्सिंग के बाद, वोकल रिकॉर्डिंग होने के बाद ये लोगों को इधर इधर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि एकोस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स बाहर से होता नहीं है, ट्रेनिंग टेक नहीं होता है, क्योंकि आपका स्पीकर है, स्पीकर सब सुनाई दे रहा है, तो ये स्पीकर का साउंड उसका माइक्रोफोन में चला जाएगा। तो जब भी कोई एकोस्टिक टेक लेना है तो एकोस्टिक रूम का अंदर लेना है। और कीबोर्ड पैड और जितना सारा जैक का थ्रू होता है, मतलब बेस गिटार, गिटार कोई भी आप लोग बाहर से ले सकते हैं। तो ये छोटा सा रूम, मान लीजिए 6x6 रूम और 5x5 रूम, 5 फीट बाई 5 फीट ना, तो 6 फुट बाई 6 फीट एक रूम को एकोस्टिक बनाना होगा। तो थोड़ा सा टिप्स दे रहा है, एकोस्टिक ये आप लोग ले सकते हैं, ये बहुत अच्छा क्वालिटी का एकोस्टिक्स होता है। ये देखिए, ये स्पॉन्ज का, दिखने में स्पॉन्ज का है मगर ये थोड़ा एस्बेस्टस टाइप का किया हुआ है, मतलब इधर साउंड अगर जाएगा तो स्प्रेड हो जाएगा। मान लीजिए ये साउंड थोड़ा दिखा रहा है, इस टाइप का एकोस्टिक है, तो इसमें अगर साउंड आएगा तो इधर जाके रिटर्न बैक नहीं करेगा, ये इधर ही ऑब्जर्व हो जाएगा। तो इस टाइप का आप लोग लिख सकते हो, बहुत सारा ढेरों सारा है एकोस्टिक्स, दिखने में ऐसा टाइप का है। और जो जो जगह पर आप लोगों को एकोस्टिक लगेगा, डीबी मीटर लेके आप लोग एकोस्टिक लगा सकते हैं। तो फर्स्ट का पार्ट हो गया है, हम लोग आ रहा है सेकेंड पार्ट का। सेकेंड पार्ट में हम लोगों को क्या है, नॉइस कैंसलेशन। फर्स्ट ये था नहीं, जब मिक्सिंग के बारे में हम लोग बोल रहा था, वोकल मिक्सिंग का नॉइस कैंसलेशन था नहीं। नॉइस कैंसलेशन थोड़ा ध्यान से सुनिए और इसको थोड़ा भी बड़ा करके भी देखिए, कुछ कुछ जगह पर नॉइस कैंसलेशन है, नॉइस कैंसलेशन करना पड़ेगा। देखिए ये हम थोड़ा दिखा रहे हैं आप लोगों को, ये जो जगह है ये वोकल नहीं है, ये नॉइज़ है, सांस का आवाज़ है। और थोड़ा थोड़ा जो जगह है, ये सब सांस जब ले रहा है सिंगर तो उसका आवाज़ है। तो वो आप लोगों को दो तरीक़े से कर सकते हैं, जिसको सिलेक्ट करके, इसको पूरा सिलेक्ट कर दिया, सिलेक्ट करके इधर राइट क्लिक करना पड़ेगा, कंट्रोल प्रेस करके राइट क्लिक करके प्रोसेस में जाके साइलेंस में जाना पड़ेगा, साइलेंस कर सकते हैं। देखिए साइलेंस हो गया, कोई भी नॉइज़ अभी इधर नहीं मिलेगा, कंट्रोल जेट करते हैं। और नहीं तो और एक तरीका है, नॉइज़ कैंसलेशन तो करना ही पड़ता है, क्योंकि नहीं तो बहुत ठीक नहीं लगता है, साउंड क्वालिटी ठीक नहीं रखता है। देखिए इधर जो जगह है, थोड़ा सुन कर देखिए, समझ गया, तो ये सांस का आवाज़ है, ये कैंसिल करना पड़ेगा। तो ये और एक तरीका है किधर से हम लोग करेंगे, तो इसको डबल क्लिक करते हैं, इसको सिलेक्ट करके डबल क्लिक करते हैं, इसको छोटा कर देते हैं, डबल क्लिक करके फिर से राइट क्लिक करना पड़ेगा, उसके अंदर प्रोसेस में जाइए। देखिए नॉइज़ बोल के आपको एक नॉइज़ गेट मिलेगा, तो उसको, उसके अंदर क्या है, थ्रेशोल्ड है। थ्रेशोल्ड क्या होता है, थ्रेशोल्ड जितना बढ़ेगा, मतलब देखिए ये -40 है तो बढ़ रहा है -38,
-35 ये बढ़ रहा है, ये कम रहा है, जितना बढ़ेगा उतना नॉइस कैंसलेशन मतलब -24 dB का जितना सारा साउंड है वो हट जाएगा। थोड़ा सा हम लोग एक बार प्रीव्यू करके देखते हैं। प्रीव्यू नहीं हो पा रहा है तो इसको हम लोगों को करना क्या पड़ेगा, इसको डिवाइस के अंदर जाके, डिवाइस सेटअप नहीं है, VST कनेक्शन सेटिंग में जाना पड़ेगा और स्टूडियो के अंदर। हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग इधर थोड़ा सा सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको राइट क्लिक करते हैं, करके प्रोसेस में जाके नॉइज़ गेट में जाते हैं, नॉइज़ गेट में प्रीव्यू करते हैं। प्रीव्यू नहीं मिल रहा है, एक्चुअली क्या है इसमें प्रीव्यू का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, साउंड हो रहा है, साउंड तो चल रहा है। हाँ ये तो साउंड चल रहा है तुम्हारा, मतलब प्रीव्यू करने के लिए आप लोगों को इधर से ही करना पड़ेगा, ये इसको इनेबल रहना पड़ेगा, इनेबल अगर ये रहेगा तो प्रीव्यू मिलेगा। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम लोग राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करके प्रोसेस में जाके नॉइज़ गेट में जाते हैं, जितना dB बढ़ेगा मतलब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये छोटा छोटा वाला जो है जो नॉइज़ है ना, हम अगर प्रोसेस कर देंगे तो चला जाएगा, चला गया तो चला तो गया है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। देखिए ये वोकल भी लेके चला गया, वही प्रॉब्लम है। तो इसको हम लग क्या करते हैं, बाई डिफॉल्ट नॉइज़ गेट जो होता है इसको हम लोग थोड़ा सा काम करते हैं 38 to 40 इस टाइप का, -38 to 40 इस टाइप का हम लोग रखते हैं, तो प्रोसेस कर देते हैं। देखिए 38 to 40 रखने से क्या हुआ, वो नॉइज़ चला गया, मगर एक बार आप लोगों को सुन कर देखना पड़ेगा। पुकार लो तुम्हारा इंतजार है, पुकार लो, बहुत ही अच्छा हुआ है। तो क्या है, -40 थ्रेशोल्ड में हम लोग जो छोटा छोटा जितना सारा नॉइज था वो चला गया, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद EQ अगर देना है, इंटरनल हम लिखा है, मतलब EQ बाहर का भी होता है, बाहर का मतलब बहुत सारा कंपनी है जो EQ बनाते हैं, जो Nuendo और Cubase में सपोर्ट करते हैं, Ableton में वो सपोर्ट करते हैं, ProTools लॉजिक सब कुछ में सपोर्ट करते हैं, तो वो है एक्सटर्नल हिसाब से हम पार्ट नंबर 3 में बोलेंगे। तो इंटरनल जो EQ होता है, इंटरनल EQ हम लोग एक बार दे देते हैं। तो इंटरनल EQ क्या है, अगर करना है तो EQ फास्ट करना है, और पिच करेक्शन पहले पिच करेक्शन कर देंगे उसके बाद EQ करेंगे। तो पिच करेक्शन में हम लोग क्रोमाटिक डाल दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और EQ में जाके हम लोग 30 band EQ देंगे। हम तो जान गया है 340 hertz से 3400 तक hertz सपोर्ट करेगा वॉइस के लिए, तो चलते चलते हम लोग देखेंगे वॉइस कितना अच्छा हो सकता है, और नहीं तो हम लोग इधर का अब चुन रहे जो सेटिंग्स है वो हम लोग यूज करेंगे। अगर लाउडनेस चाहिए तो लाउडनेस है, पॉप मास्टर चाहिए तो पॉप मास्टर है, इंतजार है। अगर ब्राइट वोकल चाहिए तो ब्राइट वोकल कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग क्या बोल रहा था, वो काम शुरू किया, ये तो काम का कुछ नहीं है, क्योंकि जब ये बड़ा है कम कर रहा है तो ये EQ अपना हिसाब से वो सेटिंग किया है, ब्राइट वॉक्स मतलब वोकल ब्राइट लगेगा, तो ये Nuendo और Cubase का अपना सेटिंग है, तो जो फ्रीक्वेंसी में हम लोगों को हाथ देना चाहिए वो फ्रीक्वेंसी में ही हम लोग हाथ देंगे, बाकी फ्रीक्वेंसी में नहीं कुछ काम करेंगे। तो ब्राइट वॉक्स में हम रख देते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए पिच हम लोग तो कर ही दिया है, उसके बाद कंप्रेशर देना है थोड़ा सा कंप्रेशर थोड़ा सा देना है, डायनेमिक्स के अंदर मिलेगा कंप्रेशर, कंप्रेशर में जाके इस चल रहा है, अगर हो सकता है तो हम लोग इधर से भी कंप्रेस कर सकते हैं, और नहीं तो हम लोग अगर थोड़ा सा वॉल्यूम कम लग रहा है तो हम लोग इसको ऑटो को डिसेबल करके थोड़ा सा मेकअप वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। तो जाएगा इस ख्याल से, ठीक है, हाल मिल गया तो
अपने हाल से। ठीक है, और कुछ करना नहीं है क्योंकि ये कंप्रेसर का अलग से चैप्टर ही है पूरा ये सब्जेक्ट समझने के लिए, क्योंकि इसमें हम पूरा आप लोगों को ये देख के बोल देंगे कोई भी अगर कंप्रेसर का कौन सा जगह किसके लिए काम करता है। मान लीजिए ये जो हम पहले चैप्टर में बोला है रबर बैंड का माफिक काम करता है, जब कंप्रेस ज़्यादा होता है तो ये रबर बैंड बड़ा हो जाता है, जब कंप्रेस कम होता है तो रबर बैंड छोटा हो जाता है। मतलब वो उसका हिसाब से जितना जितना वॉइस और जितना डेटा उसके पास आएगा तो उतना जगह वो देंगे, और जितना डाटा कम आएगा तो उतना कम जगह देंगे। तो ये जगह समझाना है, और ये अटैक होल्ड रिलीज ये भी समझाना है। तो पहले हम बोल दिया आपको मेकअप वॉल्यूम जो है, अगर वॉल्यूम कम लगेगा तो मेकअप वॉल्यूम को एडजस्ट कर दीजिएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद है सॉरी उसके बाद लिमिटर देना है। तो लिमिटर हम लोग जाते हैं, लिमिटर इंटरनल जो लिमिटर है, इंटरनल लिमिटर में जाते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा अगर कंप्रेसर उधर से मेकअप वॉल्यूम 70 भी हो गया तो इधर उतना ज़्यादा करना ही नहीं चाहिए, तो तब भी हम लोग 1 dB करते हैं, मतलब बूस्ट हो गया 1 dB में। सुनकर देखिए, रात ये करार की बेकरार है तुम्हारा हो गया। तो देखिए अगर EQ इधर देना है तो EQ इधर करना नहीं है, क्योंकि साउंड किधर से जाता है, इधर से शुरू हो कि इधर जाता है, ये हम पेंट में दिखाते हैं। इसको एक न्यू कर लेते हैं। ये तो Nuendo का क्यूबस का प्लेटफॉर्म है, तीनों पार्ट है, एक पार्ट है और एक पार्ट है, तो मिडिल का पार्ट EQ है। तो इधर साउंड इधर जितना सारा इफेक्ट रहेगा वो चेन वाइज इसको चेक करेगा, इसको राउटिंग बोलते हैं। उसके बाद जो साउंड उसके पास आया है वो इधर इधर डाल देगा। तो EQ में अगर हम लोग कुछ किए हैं तो EQ में उसके साथ मिक्स हो जाएगा, तो उसके बाद वो सेंड में आएगा। सेंड में अगर हम लोग कुछ किया है तो वो क्या है, सेम तरीका से वो चेक करेगा, ये चेक करेगा, उसके बाद हम लोगों को सुनाई देगा स्पीकर में। तो ये प्रोसेस उसका अंदर चलता है। तो जैसे कि हम लोग इधर दिए हैं, तो ऑटो ट्यून दिए हैं, EQ दिए हैं, कंप्रेसर दिया है, लिमिटर दिया है। तो हम लोग ये तो एक्सटर्नल है, इंटरनल दे देते हैं, पिच शिफ्ट और पिच करेक्शन इसको दे देते हैं, और इसका टॉलरेंस हम लोग 50 दे रहा है, और क्रोमाटिक दे दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरनल है, इसको क्रोमाटिक कर दीजिए, मेजर माइनर कुछ करना नहीं, इंटरनल दिया है। तो लिमिटर हो गया, उसके बाद इंटरनल रिवर्ब हम लोग दे रहा है, इंटरनल रिवर्ब और डीले। तो इंटरनल रिवर्ब क्या है, ये रिवर्ब हम लोग रूम वॉक्स दे सकते हैं, हमारा फेवरेट रिवर्ब है ये वोकल प्लेट, सराउंड वोकल प्लेट, हम ये एक्चुअली ये देते हैं हर जगह पर। तो सुनकर देखिए, इंतजार है तुम पुकार लो, ठीक है, तुम्हारा अगर रिवर्ब ज्यादा लगेगा तो इसको थोड़ा कम कर दीजिए, और कुछ चेंज करना नहीं है। तो इसको देखिए, इस जगह पर हम लोग सुनते हैं, जो लास्ट जगह जो है इधर से सुनते हैं, बहल तो जाएगा इस ख्याल से। अगर रिवर्ब ज्यादा लग रहा है तो इसका भी बहुत समझाना है, क्योंकि प्री डिले, रिवर्ब टाइम, साइज, ये क्या होता है, इसका काम करने से क्या होता है, इसका कम करने से क्या होता है। ये काम करने से देखिए थोड़ा रिवर्ब का जो उसका जो रिलीज वो कम हो जाएगा, देखिए छोटा हो गया रिवर्ब, थोड़ा बड़ा रहा है। दिल बहल तो जाएगा इस ख्याल से। तो ये रिवर्ब टाइम है, मतलब कितना टाइम तक रिवर्ब रहेगा, ये टाइम है। तो ठीक है, हो गया, छोटा सा डिले दे दे रहा है लास्ट। उसके बाद हम लोग आते हैं, नहीं एक्सटर्नल हो गया, उसके बाद हम लोग डिले देंगे। तो ये डिले के अंदर जो है डिले, हम लोग स्टूडियो डिले दे सकते हैं। स्टूडियो डिले के अंदर देखिए स्वीट
स्वीट वोकल डिले बोल के एक है, थोड़ा सा देख लीजिए, इसको रिवर्ब को बंद करके देखिए, इसको मत चलाइए रिवर्ब को, डिले थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, मतलब इसका थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा फीडबैक। दिल बहल तो जाएगा इस ख्याल से, हाल समझ पा रहा है तो गया तुम। हाँ, छोटा सा डिले दिया है, मतलब उसका रिपीटेशन छोटा होगा। अभी रिवर्ब लेके चलाइए तुम्हारा अपने हाल से, ये हम लोगों को करना नहीं चाहिए। करार की बेकरार है तुम्हारा इंतजार है। अगर ये वॉल्यूम आपको ट्रैक का माफी कम लगेगा तो ट्रैक का वॉल्यूम आप लोग कम कर दीजिए, क्योंकि देखिए वोकल का जो बैलेंस हुआ है इसका वेव लेंथ देख के आप लोगों को लगेगा ये क्या है, तो साउंड ही नहीं आएगा, मतलब इसका तो इतना कम वॉल्यूम में क्या होगा। आप इसको ऐसे ही रखिए, वेव कर्व तो इधर से भी हम लोग बड़ा कर सकते हैं, इसको ऐसे ही रखिए, बाकी जितना सारा है उसको थोड़ा थोड़ा करके कम करिए, उसमें अच्छा होगा, उसमें अच्छा चलेगा। तो देखिए लास्ट क्या था, डिले था, हो गया हमारा पार्ट टू हो गया। पार्ट थ्री में थोड़ा कुछ ट्रिक्स भी हम बोल देंगे, और पार्ट थ्री में इधर भी थोड़ा ट्रिक्स हम दे दिया है। देखिए कंप्रेसर को क्या करना है, लिमिटर को क्या करना है, अगर थोड़ा कुछ वॉल्यूम बढ़ाना है तो इसको 4 dB कर दीजिए, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, क्योंकि आप लोगों को समझाना है कुछ। देखिए थोड़ा बड़ा वॉल्यूम बढ़ गया, तो ये तो हम लोग कर ही सकते हैं, मगर बढ़ते बढ़ते इतना ज़्यादा वॉल्यूम हो जाएगा तो आप लोगों को कंट्रोल का बाहर चला जाएगा। तो इसीलिए क्या है, अगर वोकल का हम लोगों को 1 dB में ही मिक्स करना है तो बाकी जितना सारा इंस्ट्रूमेंट है उसको कम करिए। उसके बाद हम तो बोल ही दिया है मिक्सिंग के लिए, थोड़ा वोकल मिक्सिंग नहीं है, मास्टरिंग के लिए हम क्लास देंगे, बहुत कुछ क्लास देंगे, कैसे मास्टरिंग करना है, कैसे हर इंस्ट्रूमेंट को बाहर निकालना है। मतलब एक होता है ना, बहुत सारा मिक्सिंग हम देखा है, पूरा हाउलिंग हो जा रहा है, क्या क्या बज रहा है समझ में नहीं आएगा। तो हम आपको दिखा देंगे कौन सा साउंड बज रहा है और क्लिस्टर क्लियर बज रहा है, वो हम समझा देंगे कैसे करना है। तो ये था वोकल मिक्सिंग का पार्ट टू चैप्टर, आप लोग प्रैक्टिस करिए, करके देखिए क्या हो रहा है। एक बार हम बोल दे रहे हैं, ये वोकल टेक का टाइम, अगर वोकल फट जाएगा, अगर ऐसा हो जाएगा, कोई भी तरीका नहीं है इसको अच्छा करने का, ये आपको बोल ही दे रहा है। देखिए ये अगर फट जाएगा तो होगा नहीं, ऐसा होने से भी चलेगा, मगर ऐसा होने से नहीं चलेगा। और आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, मतलब ये हमारा ये जो स्लाइडर है ये नीचे में रहेगा, उसका हिसाब से हम लोग कितना इनपुट ज़्यादा ले सकता है कम ले सकता है, उसके हिसाब से आप लोगों को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एक्चुअली होता है क्या, बहुत सारे आदमी लोगों के पास बहुत सारा स्पीकर्स है, तो एक स्पीकर में एक टाइप का लगता है, दूसरा स्पीकर में दूसरा टाइप का लगता है, तो आप लोगों को पूरा सही ढंग से सही तरीके से करना है। और अगर वोकल मिक्सिंग कुछ और भी हेल्प चाहिए जो आप लोग काम कर रहे हैं, वो थोड़ा हमको व्हाट्सएप कीजिए, हम सुनकर बोल देंगे जो हाँ ठीक है, ये मिक्सिंग काफ़ी अच्छा है। तो हर अलग अलग गाना के लिए हर टाइप का वोकल मिक्सिंग होता है, बहुत टाइप का होता है, भोजपुरी के लिए अलग से वोकल मिक्सिंग होता है और हिंदी के लिए अलग से होता है। ये जो गाना है सॉफ्ट है, मेलोडी गाना है, तो मेलोडी गाना के लिए दूसरा टाइप का वोकल मिक्स होता है, पॉप गाना के लिए दूसरा टाइप का होता है। तो हर जगह पर आप लोगों को अलग अलग सेटिंग करना पड़ेगा, मगर बेसिक जो स्ट्रक्चर है ऐसा स्ट्रक्चर में ही चलता है। उसके बाद हम लोग बोलेंगे, क्योंकि इधर राइट क्लिक करके हम लोग कस्टमाइज व्यू में जाके इधर इंसर्ट राउटिंग जो है, ये जो सब्जेक्ट है ये भी हम लोग देखेंगे, ये राउटिंग का पार्ट क्या होता है, इंसर्ट राउटिंग भी है। और देखिए इसका
सेंड राउटिंग भी है। तो क्या करता है ये इंसर्ट राउटिंग, क्या करता है सेंड राउटिंग, क्या करता है ये हम लोग बोलेंगे। ये वोकल मिक्सिंग पार्ट कंप्लीट करने के बाद हमारा पूल का एक चैप्टर बाकी है, वो पूल का चैप्टर बोलना है, उसके बाद हम लोग इसका बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग चैनल को देखते रहिए, और आज का वोकल मिक्सिंग चैप्टर 2 हो गया है, आप लोग देख रहे हैं, हमको भी बहुत खुशी हो रहा है। आप लोग मैसेज कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत सारा ढेर सारा कमेंट दीजिए। कोई भी प्रॉब्लम अगर होगा तो हमको SMS करिए। चलते हैं, अगेन आप लोगों को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर पसंद आएगा तो लाइक कीजिए। थैंक यू।